पाकिस्तान द्वारा आज हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए जिस प्रकार वहाँ पर उनको टारगेट किलिंग की करके जो मारा जा रहा है और हर प्रकार से उन्हें यातनाएं दी जा रही है, इसका दायित्व जो है पूरा सरकार का बनता है कि सरकार जो है उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करे, उनको किस प्रकार जो है नौकरियों पे जाना है। सरकार को चाहिए कि जो वहाँ पर बचे हुए हैं हिंदू भाई, उनको अगर उनकी जान की कीमत इनको चाहिए तो उनके लिए कोई गाड़ी बुलेट प्रूफ लगाई जाए ताकि वो उनको अपने स्थान पर रोज छोड़ा करे जहाँ नौकरी पे जाना है, और शाम को उनको जो है सुरक्षा से उनको घर पहुँचाए ताकि उनको यहाँ जम्मू में जो उनका परिवार रह रहा है वो रात को जो है चैन की नींद सो सकें। उन हिंदुओं के घरों को भी जो जितने परिवार के बच्चे या उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ तो वो नौकरी करने गए हुए हैं लेकिन रात को वो यहाँ तक सो नहीं पाते, इसलिए क्योंकि बच्चे वहाँ पर उनके जो आतंकवादियों के बीच में अकेले निहत्थे बैठे हैं, उनके पास कोई किसी किस्म का हथियार नहीं है, वो केवल निहत्थे जो हमारे हिंदू भाई हैं आतंकवादी भी उन्हीं को मारने जाते हैं और उनको एक चिन्हित किया जाता है हिंदुओं को, उसके बाद उनको टारगेट किलिंग की कर जो है उनको मारा जाता है। हम सरकार से चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी ओर ध्यान दे और उन भाइयों को जो है सुरक्षा मुहैया कराएं, और दूसरी तरफ जो हमारी हिंदू संस्थाएं जितनी भी हैं जम्मू कश्मीर में उनको जो है किसी को भी सुरक्षा जो है नहीं दी गई, क्योंकि पिछली जो सरकारें थी वो तो हिंदुओं के साथ नजायज़ करती थी, क्योंकि वो सरकारें जो है मुस्लिम सरकारें थी, मुस्लिम बहुबल सरकारें थी, वो सीधा बोलना बोलते हैं हम, वो हिंदू की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमने देखा है जब हिंदू सरकारें आई हुई हैं तो वो हिंदुओं को सुरक्षा जो है क्यों सुनिश्चित नहीं दी जा रही। हमारी जो जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं, चाहे वो शिवसेना है, आरएसएस है, या बजरंग दल है, या कोई भी अन्य जो हमारे हिंदू संगठन हैं, उनको किसी को भी जो है इस वक्त सुरक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने फोर फ्लंग एरियो में जैसे डोडा, किश्तवाड़ या पुंछ, रजौरी में जाना होता है, हम अपनी पार्टी का जो विस्तार भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हम सुरक्षा के बगैर वहाँ जा नहीं सकते, हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा नहीं पाते, कहीं बॉर्डर इलाके में जाना है हमने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, वहाँ भी नहीं जा सकते। अगर हम किसी को सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हफ्ते के एक दिन मिल सकती है या महीने के एक दिन मिल सकती है। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि जितनी भी हमारी हिंदू संस्थाएं हैं वो महीने में एक ही बार घर से निकला करें और एक ही बार जो है काम करने के लिए घर से जाया करें, उनका जो है किसी भी पार्टी का या किसी देश की सुरक्षा पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ जो अधिकार है वो केवल जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने चाहे घर में बैठे होंगे उनके परिवारों को, उनके बच्चों को भी गाड़ियां और सुरक्षा दी जाती है, लेकिन जो हम देश के लिए बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें सुरक्षा देने के लिए सरकार के पास सुरक्षा नहीं है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार हमें जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो हमारी जितने भी हिंदू हैं भाई, जितने भी अपने पार्टियों में चला रहे हैं, अगर उनमें से किसी का भी जो है आतंकवादियों द्वारा अगर जो उनको देहांत किया जाता है तो उसकी पूरी जो जिम्मेवारी है वो सरकार की होगी, यहाँ हमारी जितनी भी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी ही जिम्मेवारी होगी। अगर हमारा कोई भी हिंदू भाई जो है जितनी भी पार्टियों वाले अगर वो मारा जाता है तो उनकी पूरी जिम्मेवारी जो है सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की होगी। जय हिंद, जय भारत।